वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 मात्रा के एवं मापन के साथ साथ विमीय विश्लेषण पर भी चर्चा की थी। आज मैं इस वीडियो में आपको विमीय विश्लेषण पर आधारित न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न को हल कराने जा रहा हूं। अगर बात एग्जाम की जाए तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 1 देखिए आपके सामने है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रा किलोमीटर तथा समय का मात्रा घंटा हो तो चाल का मान क्या होगा? इसके लिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से हम हल करते हैं। गिवन है वायु में ध्वनि की चाल स्मॉल वी इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड। इसी मात्रक के आधार पर इसका डायमेंशन हम देखते हैं। स्मॉल वी इक्वल टू, ये देखिए मीटर है तो लेंथ हो गया, नीचे सेकंड है तो टी हो गया, तो इस तरह से हमें मिला एलटी के पावर -1। ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, जरा देखिए N1U1 इक्वल टू ये 332 इंटू क्या होगा L1T1 के पावर -1 मीन्स मीटर सेकंड के पावर -1। अब आगे जरा देखिए N2 इंटू U2 इक्वल टू N2, ये U2 का वैल्यू क्या है L2 इंटू T2 के पावर कितना होगा -1 मीन्स N2 इक्वल इंटू ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब आगे हम क्या सॉल्व करते हैं, गिवन स्टेप जरा देख लेते हैं। N1U1 इक्वल टू N2U2, ये N1 की वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड और N2U2 का मान है N2 इंटू ये किलोमीटर इंटू आवर के पावर -1। इस प्रकार से हमें ये वैल्यू मिला N2 इक्वल टू ये 332 मीटर अपॉन किलोमीटर और सेकेंड अपॉन आवर। ठीक है ना, सेकेंड अपॉन आवर और दोनों में पावर कितना है -1, ये -1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर मीन्स 1000, ये किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और 1 सेकेंड अपॉन 1 आवर को क्या हो गया ये 3600 सेकेंड। ठीक है ना, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो हमें वैल्यू मिला कितना 1 अपॉन 1000 इंटू ये 1 अपॉन 3600 के पावर -1। तो -1 को +1 करने की इच्छा हो तो हम क्या करेंगे, +1 के लिए 3600 अपॉन 1 इसको कैलकुलेट करने पर मिलेगा N2 का मान 1195.2, लगभग ये 1195 यानी कि ये स्मॉल वी नया आंकिक मान मिला 11095 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन को डाइन में बदलिए जबकि न्यूटन MKS पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन CS पद्धति में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल की विमा इक्वल टू MLT के पावर -2। ठीक है, गिवन है N1U1 इक्वल टू 1 न्यूटन, यही दिया हुआ है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, ये अगर इस आधार पर हम देखें तो ये M1L1T1 के पावर -2, MKS पद्धति में मास kg में हो गया, मीटर ये लेंथ जो है मीटर में हो गया और सेकेंड टाइम जो है सेकेंड में आ गया। ठीक है ना, पावर -2 दिखाई दे रहा है तो इसमें भी -2 हो गया। N2U2 में N2 का मान ज्ञात करना है, U2 का मान हमें दूसरी वैल्यू डाइन में फाइंड करनी है, तो हमें मिला N2 इंटू ऊपर से देखते हुए जैसे M1L1T1 के पावर -2 लिखे थे वैसे ही हम लिख देंगे M2L2T2 के पावर कितना होगा -2। तो N2 मास कितना हुआ ग्राम में, ये लेंथ क्या है सेंटीमीटर में और सेकंड के पावर -2 आ गया। ठीक है ना, T2 सेकंड में है, पावर -2 है। ठीक है ना, लेंथ के पावर 1 है तो यहाँ पर भी
ये सेंटीमीटर के पावर वन है। ठीक, अब फार्मूला क्या गिवन है, एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। इस प्रकार से एन वन यू वन की वैल्यू हमने रख दिया के जी मीटर सेकेंड के पावर माइनस टू, एन टू यू टू की वैल्यू है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये वैल्यू एन टू हमने फाइंड आउट कर लिया, एन टू इक्वल टू वन, ये किलोग्राम अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकेंड अपॉन सेकेंड, वन लिख देने के बाद में इनके वैल्यू को रखते हैं, वन के जी इक्वल टू 1000 ग्राम और वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और सेकेंड से सेकेंड, ये तो कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमें क्या मिला, 1 × 10 1000 इंटू यहाँ पर मिला 100 इंटू यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कितना जीरो मिला, 3, 2, 5 1 × 10⁵। इस प्रकार से हमें मिला 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये इस प्रकार से आपका आंसर हुआ। अब जरा अलग से एक कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिए, ये जरा देख लीजिए, एक जूल को अर्ग में बदलना है, जरा इसको देखिए किस प्रकार से अमल करते हैं। कार मीन्स वर्ग W का मान क्या दिया हुआ है, ये एम एल के पावर 2 इंटू टी के पावर माइनस 2। ठीक है ना, एन वन यू वन इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है जूल में। ठीक है ना, जूल में अब हमें क्या मिला, आगे जरा देख लीजिए, ये जूल मतलब कार का मात्रक है, कार का मात्रक की अगर बात करें तो ये एक जूल इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, अब आगे जरा देख लीजिए, एन टू यू टू इक्वल टू एन टू, ये दूसरा मात्रक क्या होगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक, ये अर्ग हो गया, ईआरजी अर्ग, एन टू जरा आगे बढ़ करके देखें तो हमें क्या मिला, एन टू इंटू ग्राम, ये ऊपर से जरा चेक करके देख लीजिए, किलोग्राम है तो नीचे ग्राम कर लिया सीजीएस पद्धति में, मीटर है तो सेंटीमीटर में, स्क्वायर है तो स्क्वायर और सेकेंड है तो सेकेंड। इस प्रकार से हमें एन टू इक्वल टू इन तीनों को नीचे ले जाइए तो हमें आगे का रिजल्ट मिलेगा। हमें फार्मूला पता है पहले से, ये एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, ये वैल्यू हम पुटअप कर दें तो मिलेगा 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, पावर माइनस टू के रूप में लिख दिया, इक्वल टू हमें मिला एन टू इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो एन टू की वैल्यू हमें क्या मिला, जरा इसको चेक कर लीजिए, इन तीनों को नीचे ले आना है, 1 kg केजी को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख दिया, अब इस तरह से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, अब कितना जीरो मिला, जरा इसको आगे जरा देख लीजिए, 1000 इंटू मिला हमें 102 टाइम्स, तो इस प्रकार से हमें मिला 1 0 2 0 3 0। ठीक है ना, आगे जरा देख लो, ये हमें मिला 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7, यानी कि 1 × 10⁷ अर्ग। इस प्रकार से हमें मिला एन टू इक्वल टू 1 × 10⁷ अर्ग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ अर्ग होता, जूल होता है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी को देखते हुए, एक जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये अलग से आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जरा देखिए आपके सामने है, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में बदलिए। ठीक है, जल का पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं, एस से प्रदर्शित करेंगे या टी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, वैल्यू क्या गिवन है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर, तो ये पृष्ठ तनाव एस की विमा मिल गया हमें, डाइन यानी कि बल, तो बल के विमा लिख दिया, सेंटीमीटर लेंथ, ये लेंथ हो गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो हमें लास्ट स्टेप में डायमेंशन मिला, मास इंटू सेकेंड के पावर यानी कि टाइम के पावर माइनस 2। अब हमें ये चीज़ देखिए, एन वन यू वन इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है 72, ये एम वन टी वन के पावर माइनस 2 यानी कि
सीजीएस पद्धति में मास हमें मिल गया ग्राम में और टाइम मिल गया हमें सेकंड में और पावर माइनस टू। तो एक बात इसको जरूर ध्यान रखें कि इसको हम क्या कहेंगे, 72 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर ये डाइन पर सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 72 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब N2U2 इक्वल टू हमें पता चल चुका है, N2 हमें अलग से ज्ञात करना है, M2 इंटू T2 की पावर माइनस टू इक्वल टू N2 ये kg किलोग्राम इंटू सेकंड के पावर माइनस टू। हमें इस आधार पर N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। N2 इक्वल टू क्या मिला हमें, चेक करिए, N2 वैल्यू रखने के बाद में N2 का मान ये होगा, ये 72 देखिए ग्राम अपॉन किलोग्राम नीचे आ गया, सेकंड अपॉन सेकंड पावर माइनस टू कैंसिल हो गया, 1 ग्राम अपॉन 1 kg को क्या लिखोगे, 1 kg को लिखोगे 1000 ग्राम। तो ग्राम से यहाँ पर ग्राम भी कैंसिल हो गया और सेकंड से सेकंड भी कैंसिल हो गया। इस प्रकार से हमें मिला 72 इंटू 1/1000 इक्वल टू क्या मिला, 72 इंटू 10^-3 इक्वल टू 0.072। इस प्रकार से हमें मिला जल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, ठीक है ना, कैपिटल टी या एस इक्वल टू ये 0.072 न्यूटन पर मीटर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों है, SI पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, डेंसिटी डी इज गिवेन 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू। यह एक CS पद्धति में मात्रक है, इसका हमें MKS पद्धति में मात्रक ज्ञात करना है, अर्थात SI पद्धति में इसका मात्रक हमें ज्ञात करना है। यह वैल्यू N2 के रूप में हम जानेंगे, घनत्व की विमा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू के आधार पर क्या लिखेंगे, ग्राम है तो मास, सेंटीमीटर लेंथ एक प्रकार से हो गया, नीचे पर सेंटीमीटर क्यू के हिसाब से पावर माइनस 3 हो गया, ठीक है ना। अब ये N1 U1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, या दिया हुआ है 0.5 इंटू M1 L1 के पावर माइनस 3 इक्वल टू 0.5 ग्राम, मास हो गया ग्राम में और लेंथ हो गया सेंटीमीटर में पावर माइनस 3। N2 U2 जो N2 हमें ज्ञात करना है वह N2 हो गया, U2 जिसे चेंज करना है M2 L2 के पावर माइनस 3 इक्वल टू N2 इंटू मास हो गया kg में, MKS पद्धति की बात करें तो, और लेंथ L2 हो गया मीटर में, ठीक है ना। अब पावर माइनस 3 दिखाई दे रहा है। अब हमें यह फार्मूला क्या दिखाई दे रहा है, फार्मूला दिखाई दे रहा है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। वैल्यू पुट करना है ऊपर से, ये इन दोनों वैल्यू को N1 U1 और N2 U2 को दोनों को पुट करके हम क्या देखेंगे, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू N2 किलोग्राम पर मीटर क्यू। अब नेक्स्ट पेज में हमें क्या मिलता है, N2 इक्वल टू 0.5 ये ग्राम अपॉन किलोग्राम और इंटू सेंटीमीटर अपॉन मीटर के पावर माइनस 3। अब इसको जरा चेंज कर दीजिए, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इक्वल टू क्या मिला, 100 सेंटीमीटर के पावर माइनस 3। अब ये पावर माइनस 3 को प्लस 3 में कन्वर्ट करने के लिए जरा इसको चेंज कर लेते हैं, नीचे की वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो 100/1 3 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन के आधार पर सॉल्व करते हैं, 100 जो है 3 टाइम्स लिखना है, तो 100 3 टाइम्स लिखने के बाद में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 0 2 0 3 0 से ये तीनों हमें कि हमने कैंसिल कर दिया, कितना जीरो बच गया, 1 0 2 0 3 0, यानी कि 0.5 इंटू ये इन 10^-3। तो एक बात और भी अलग से ध्यान दीजिए, दशमलव के एक अंक से एक जीरो हटा लीजिए, तो 5 × 100 इक्वल टू हमें मिला N2 की वैल्यू 500। इस प्रकार डेंसिटी डी का नया अंकिक मान मिल गया हमें 500 और kg पर मीटर क्यू, क्योंकि यह पहला वाला आंकिक मान था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू में CS पद्धति में, और यही चीज MKS पद्धति में हमें मिल गया किलोग्राम पर मीटर क्यू। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 5। पांचवा सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का CGS पद्धति में मान 6.67 × 10^-8 मात्रक है, MKS मात्रक में इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक
कैपिटल जी का सीजीएस पद्धति में मान दिया हुआ है 6.67 × 10⁻¹। ये सीजीएस यूनिट के आधार पर यह वैल्यू हमें मिल गया N1। जैसा कि आप जानते हैं, हमें एमकेएस पद्धति में मान ज्ञात करना होगा, यह मान हमें N2 के रूप में जाना जाएगा, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति, ये चीज़ माइंड करने योग्य बात है। अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यह देख लीजिए फॉर्मूला है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ज्ञात करने के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F=gm1m2/r2। इस प्रकार से वैल्यू मिल गया हमें g=F×r2/m1×m2, ठीक है ना। तो फोर्स की विमा, अच्छा कैपिटल जी की विमा चूँकि हमें ज्ञात करनी है, ये वाला कैपिटल जी की विमा हमें ज्ञात करनी है, तो ये जे लिख दिया, इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिख दिया। फोर्स है तो फोर्स की विमा क्या है, MLT^-2। रेडियस मीन्स लेंथ के पावर 2 है तो लेंथ के पावर 2 हो गया। मास इंटू मास है तो मास इंटू मास लिख दिया, एक मास तो कैंसिल हो गया। अब जरा देख लीजिए क्रमबद्ध तरीके से हमें क्या लिखना मिलेगा, M^-1 नीचे है तो ठीक है ना, -1। लेंथ की बात करें तो लेंथ की पावर यहाँ पर 1 है और लेंथ की पावर यहाँ पर 2 है, तो लेंथ की पावर कितना मिल गया हमें 3, और इंटू टाइम की पावर कितना मिल गया हमें -2, तो ये -2 आपको दिखाई दे रहा है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा मिल गई, ये M^-1, L^3, T^-2, ठीक है ना। अब N1 U1 का मान जो गिवन है वह है 6.67 × 10⁻¹। CGS यूनिट में ये हो गया आपका ग्राम, ठीक है ना। इसके बाद में (-1) के आधार पर ऊपर से देख लिया, cm³ और सेकेंड के पावर कितना हो गया -2। अब दूसरा N2 जिसे हमें ज्ञात करना है उसका यूनिट U2 ले लें, तो N2 U2 इक्वल टू हमें मिला N2 × MKS पद्धति में। ये क्या है, यहाँ पर याद कर लीजिए, माइंड कीजिए MKS। तो MKS पद्धति में यहाँ पर मास जो है केजी में आ गया, जो ग्राम है वो केजी में आ गया, सेंटीमीटर है मीटर में आ गया, सेकेंड है तो सेकेंड में रहेगा। इसका शेष भाग अब आगे देखते हैं, जरा देखते हैं आगे हमने किस तरह से सॉल्व कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला होता है N1 U1 = N2 U2। तो यहाँ पर U1 क्या है, ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये ग्राम, ठीक है ना, और ग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। और N2 जिसे हमें MKS पद्धति में चेंज करना है उसका यूनिट हमें क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बाद में हमें दिखाई पड़ेगा, इसी रूप में हमें आंसर ज्ञात करना है N2 का मान रखने के बाद। मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, जैसा कि पीछे हम मान N1 ये ज्ञात कर चुके हैं, N1 U1 और N2 U2 भी, और इसको रखते हैं, वैल्यू हमें मिलेगा 6.67 × 10⁻¹⁸ इंटू ग्राम, देखिए ग्राम के पावर -1 इंटू सेंटीमीटर के पावर 3 और सेकेंड के पावर -2, और N2 × इक्वल टू के आधार पर हम क्या देखते हैं, N2 × kg^-1 मीटर के पावर 3 और सेकेंड के पावर -2। अब इस आधार पर N2 का मान कितना होगा, kg मीटर और सेकेंड इन तीनों को इनके नीचे रखेंगे तो मिलेगा ये 6.67 × 10⁻¹⁸ इंटू 1 g/1 kg^-1 इंटू 1 cm/1 m³³ इंटू 1 s/1 s, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हमें मिलता है इक्वल टू के आधार पर देखते हैं 6.67 × 10⁻¹⁸ 1 g/1 kg को हम क्या लिखेंगे, 1000 g इंटू ये 1 cm/1 m, तो 1 m को क्या लिखेंगे 100 cm, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो लास्ट में हमें मिला 6.67 × 10⁻¹⁸ (-1), जरा ध्यान रखिएगा, 1/1000 इंटू ये 100 जो है 3 times लिख दिया, ठीक है ना। इस -1 को सही से लिख दिया, (-1) को (1) के रूप में। अब तीनों जीरो को हमने काट दिया, ठीक है ना। अब हमें नीचे जीरो मिला, 1, 2, 3 0, ऊपर पहुंचा दो 10⁻³ मिलेगा, ये चीज़ लिखा हुआ है 10⁻³, तो 8, 3 कितना होता है 11। तो हमें N2 जो चेंज करना है उसका मान मिल गया 6.67 × 10⁻¹⁷
यह ना, इस प्रकार से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का एमकेएस पद्धति में हमें मान मिला कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 100 वाट यानी कि जूल पर सेकंड को ये सीजीएस पद्धति में हमें बदलना है, ठीक है ना। तो बल्ब की सामर्थ्य गिवन है 100 वाट मीन्स 100 जूल पर सेकंड, ठीक है ना। अब एक और बात माइंड कीजिए, सीजीएस पद्धति में इसका यूनिट क्या होगा, ये जूल पर सेकंड की जगह पर डाइन, ठीक है ना, ये डाइन हो गया DYNE अपॉन सेकंड, ठीक। अब सामर्थ्य की बीमा क्या होगी, ये जूल मतलब कार ML^2 T^-2 अब पर सेकंड मतलब टी, तो टी को ऊपर पहुंचा लीजिए T^-1 और -2 मिलकर के -3 हो गया, ठीक। अब N1 U1 इक्वल टू गिवन है 100, ये kg इसी डायमेंशन के आधार पर हम लिख रहे हैं kg m^2 s^-3, ठीक। अब N2 U2 इक्वल टू N2 kg के ऊपर ग्राम कर दिया, मीटर के ऊपर सेंटीमीटर कर दिया, सेकंड से सेकंड कर दिया, फार्मूला होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, वैल्यू पुट कर लिया तो 100 kg/m² × 10^-3 या पर सेकंड क्यूब भी हम लिखते हैं इसको, और N2 दूसरा वैल्यू क्या मिला, N2 U2 के मान N2 इंटू ये ग्राम, ये किलोग्राम के ऊपर ग्राम आ गया, मीटर के ऊपर सेंटीमीटर कर दीजिए और सेकंड के पावर सेकंड, पावर माइनस थ्री तो दोनों में रह गई। हमें इस आधार पर N2 का मान मिला ये इक्वल टू 100, यहाँ पर ये देखिए kg अपॉन ग्राम नीचे आ रहा है और मीटर अपॉन सेंटीमीटर नीचे आ रहा है और सेकंड से सेकंड, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम कैंसिल करने की बात करते हैं, तो हमें क्या मिला 100 × 1000 × 100 टू टाइम्स लिखना है, तो 100 × 100 कर लिए, कितना जीरो मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स हमें मिला 10^9। इस प्रकार से ये सामर्थ्य पी का मान मिला 1 × 10^9 डाइन पर सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है स्टील का यंग गुणांक 19 × 10^10 N/m² है, इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए, ये गिवन हुआ हो गया। और इसी न्यूटन के आधार पर हम देखें कार्य बल का मात्रा बीमा है ML^(t^-2) मीटर स्क्वायर के आधार पर हमने ले दिया length^2, इस प्रकार से L^1 और L^2 नीचे आ रहा है, 2 को ऊपर लाओ तो 1 − 2 − 1 होगा। इस प्रकार से हमें यंग्स मॉडुलस y की डायमेंशन मिल गई ML^-1 T^-2। अब N1 U1 इक्वल टू हमें मिला N1 की वैल्यू 19 × 10^10 और एमकेएस पद्धति में चूंकि दिया हुआ है तो मास हो गया kg में, ये लेंथ हो गया मीटर में और सेकंड से सेकंड। N2 U2 इक्वल टू N2 × ये kg के ऊपर ग्राम कर दिया, मीटर के ऊपर सेंटीमीटर कर दिया, सेकंड से सेकंड कर दिया। हमें फार्मूला तो पहले से ही पता है N1 इक्वल टू N2 U2, अब हमने वैल्यू पुट कर लिए और N2 के वैल्यू हमने निकाल लिया 19 × 10^10, ये देखिए kg/g, ठीक, और m/cm^-1 और सेकंड से सेकंड की तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 1 kg = 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 मीटर इक्वल टू चेंज कर दिया 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी आपस में चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं 19 × 10^10 × 1000, ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए 100 × -1 है तो -1 को +1 के रूप में चेंज कर लिया तो नीचे से हो गया, 2 जीरो को 2 जीरो से हटा दिया, 1 जीरो बच गया, तो ये 10^ यानी कि 10+1 मिलकर के हो जाएगा 10^11। इस प्रकार से y का मान हमें मिला 19 × 10^11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पहला वैल्यू दिया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन का सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर और मीटर को ये हम सेंटीमीटर के आधार पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 m/s² है, इसका मान cm/min² में ज्ञात कीजिए। तो जी की वैल्यू गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आधार पर, देखिए डायमेंशन क्या होगा, मीटर लेंथ है
अपॉन के लिए अपॉन का चिन्ह दे दिया, सेकंड है तो टाइम के पावर टू, इसको ऊपर लाओ तो एल टी के पावर हमें मिल गया माइनस टू। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिल गया एल टी के पावर माइनस टू। एन वन यू वन इक्वल टू एन वन लेंथ हो गया मीटर में और सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा टाइम की पावर माइनस टू। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एन टू यू टू इक्वल टू ये एन टू इंटू मीटर के यहाँ पर हमने लिख दिया सेंटीमीटर, इंटू लिख दिया इंटू के रूप में सेकंड, सेकंड सेकंड को मिनट में हमें चेंज करना है, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ हमें चेंज करके लिखना है, अंत में दिखाई पड़ेगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में हमें इसका मान एन टू ज्ञात करना है। हमें फार्मूला पहले से पता है, एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, वैल्यू पुट कर लिया, एन टू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 10 मीटर सेंटीमीटर, है ना, सेकंड से मीटर वगैरह चेंज करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैसे करते हैं वो देखिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया, 1 सेकंड अपॉन 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो अब हमें मिला 10 इंटू 100 इंटू 1 अपॉन 60 पावर माइनस टू, तो पावर माइनस टू को प्लस टू में बदलने के लिए नीचे से 60 को ऊपर 60 दो बार लिख दिए, क्योंकि पावर टू टाइम्स हो जाएगा। तो अब हमें मिला 6 इंटू 6 36, और कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 36 इंटू 10 पावर 5। इस प्रकार ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में मिल गया 36 इंटू 10 पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा मीन्स लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में हमें यानी कि एम के एस पद्धति में इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है, ये चीज़ अलग से ध्यान रखिएगा। एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, पेपर में ना दिया हो तो भी आपको अलग से याद रखना पड़ता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता ही है 4.18 जूल। गुप्त ऊष्मा दिया हुआ है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है ना। तो एन वन यू वन इक्वल टू हो गया 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि पावर माइनस वन के आधार पर इंटू में लिख दिया। एन टू यू टू हमें मिला जूल और किलोग्राम के आधार पर, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। फार्मूला मिल गया हमें एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, एन वन यू वन और एन टू यू टू इन दोनों का मान हमने रख दिया। इसके बाद में कैलकुलेशन कर लिया, ये कैलोरी अपॉन जूल देखिए, और दूसरा वैल्यू क्या मिला, ग्राम अपॉन किलोग्राम, ठीक है। तो अब एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, और 1 केजी इक्वल टू होता है ये 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, तो हमें मिला 80 इंटू ये 4.18 इंटू देखिए 1/1000 के पावर माइनस 1 आ रहा था, माइनस 1 को प्लस 1 में बदल दिया तो नीचे से 1000 ऊपर पहुंचा दिया। इस प्रकार से मिला ये, हम अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या मिलेगा, 8 इंटू ये 4.18 इक्वल टू मिलेगा 33.44, और कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 10 पावर 4 लिख दिया। तो जरा इस पॉइंट को एडजस्टमेंट कर लिया, 3.34 इंटू 10 पावर 5, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में क्या लिख दिया, 3.34 केवल इतना ही इंटू 10 पावर 5, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हमें लेटेंट हीट मिला 3.34 इंटू 10 पावर 5 जूल पर केजी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रकार मैं आपको विमीय विश्लेषण पर आधारित आंकिक प्रश्न को प्रश्न संख्या 1 से 9 तक हल कर लिए हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर के टॉपिक के साथ। थैंक यू।